अगर आपकी मंजिल भी सिविल सर्विसेज है तो टेस्ट सीरीज लगाना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसीलिए टेस्ट बुक लेके आया है टेस्ट बुक पास। तो फिर आप किसी भी सिविल सर्विस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, चाहे वो यूपीएससी हो या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम लाइक बीपीएससी, एमपीपीएससी, एमपीएससी या आरपीएससी। टेस्ट बुक पास के अंदर आपको सारी सिविल सर्विस एग्जाम्स की मॉक टेस्ट अवेलेबल हो जाएगी। तो अब देर किस बात की, अभी डाउनलोड कर लीजिए टेस्ट बुक ऐप और लगाइए कूपन कोड 7 डे गिफ्ट और 7 दिन के लिए पाइए मुफ्त में टेस्ट बुक पास और दीजिए अपने सपनों को नई उड़ान। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अपाला मिश्रा एंड आई सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 9 इन दिस ईयर्स यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, दैट इज यूपीएससी सीएससी 2020 एग्जाम। एंड फॉर्चुनेटली आई गॉट द हाईएस्ट मार्क्स इन द इंटरव्यू, दैट इज 215 मार्क्स। And my interview was on the 9th of September 2020 and my board was Dr. Manoj Soni sir's board. So I have a series of questions and I'll be answering those questions. But before that, I'd like to talk about 2-3 very important things about the interview stage of the UPSC exam. So talking of the interview stage, jo pehli baat main sabko kehna chahungi wo ye hai ki बहुत ज़्यादा ऐसा मिथ है मार्केट में दैट इंटरव्यू स्टेज इज़ अ स्टेज जिसके लिए आपको प्रिपेयर नहीं करना है, इट इज़ ओनली अ टेस्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी और आप तो अपनी पर्सनैलिटी इम्प्रूव ही नहीं कर सकते हैं, 2 महीने में कोई क्या प्रिपेयर कर सकता है। बट दैट इज़ ऑल फॉल्स। द थिंग इज़ दैट आप अपनी पर्सनैलिटी भी इम्प्रूव कर सकते हैं एंड सेकेंडली द इंटरव्यू टेस्ट इज़ नॉट जस्ट अ टेस्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी, इट टेस्ट एवरी थिंग अबाउट यू। आप जहाँ से आ रहे हैं, आपको कितना नॉलेज है अपने बारे में, आपके ओपिनियंस कितने अच्छे से फॉर्म्ड हैं, आप कितने रिस्पेक्टफुल हैं, वो आपकी पर्सनालिटी के हर फैसेट को चेक करेंगे और वो फैसेट को डेवलप करना, इन्हांस करना, इम्प्रूव करना, वो आपका प्रेरोगेटिव है। तो ये सोच बिल्कुल नहीं रखे कि इंटरव्यू के लिए पढ़ाई नहीं करनी है। आई थिंक इंटरव्यू के लिए उतनी ही पढ़ाई करनी है जितनी प्रीलिम्स या मेंस के लिए करनी है। इनफैक्ट इंटरव्यू रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ अदर स्किल्स, फॉर एग्जाम्पल स्किल्स ऑफ एक्सप्लेनेशन, अब्जॉर्ब करना उन चीज़ों को और अपना ओपिनियन फॉर्म करना, और ये सब स्किल्स आई थिंक मेंस और प्री में उतनी काम नहीं आती हैं। सो आई थिंक इन दिस वे इंटरव्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो एक सेकेंड मिथ है जो जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगी वो ये है कि बहुत बार ऐसा लगता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो मेट्रो सिटीज से नहीं आ रहे होते हैं या जो इंग्लिश मीडियम स्कूल से नहीं पढ़े होते हैं, तो उनको एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है अपने अपने अचीवमेंट्स के बारे में। लेकिन ये बात भी मैं बहुत स्टार्टिंग में ही एकदम क्लियर करना चाहती हूँ कि इट डज़ नॉट मेक एनी डिफरेंस। आप जिस भी स्कूल से पढ़े हों, आप जिस भी कॉलेज से पढ़े हों, इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम IITs, इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम यू नो वेरी गुड कॉलेजेस, इट डज़ नॉट मैटर। इफ़ योर एकेडमिक बैकग्राउंड इज़ नॉट एक्सीलेंट थ्रू आउट, तब भी फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको बस उस दिन अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करना है एंड यू हैव टू गिव योर बेस्ट। इट डज़ नॉट मैटर इफ़ यू आर नॉट वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश, इफ़ यू आर नॉट एबल टू कम अप विद द राइट वर्ड्स, इट्स ओके। व्हाट मैटर्स इज़ दैट आप सोच पा रहे हो उस दिशा में और आंसर कर पा रहे हो क्वेश्चंस। सो विद दिस आई विल स्टार्ट टेकिंग अप द क्वेश्चंस एंड वी विल स्टार्ट आंसरिंग देम। तो पहला क्वेश्चन है व्हेन टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू। तो आइडियली तो जब मेंस एग्ज़ाम लिखना आप ख़त्म करते हैं तभी आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए, पर वो पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि इतना इनर्शिया रहता है, आपको ब्रेक की ज़रूरत होती है और डेफिनेटली सबको ब्रेक लेना चाहिए। तो मैं कहूँगी आप 10 दिन, 1 हफ्ते, 15 दिन थोड़ा ब्रेक ले लीजिए और उसके बाद आप इंटरव्यू प्रिपरेशन पर थोड़ा फोकस करना शुरू कीजिए। कायदे से इंटरव्यू प्रिपरेशन मेंस रिज़ल्ट आने के बाद ही स्टार्ट हो पाती है क्योंकि तभी आप फोकस हो पाते हैं। लेकिन जो आप कर सकते हैं वो ये है कि कोई भी न्यूज़ आ रहा हो, आप जब भी करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो तो आप उसको ऐसे दृष्टिकोण से पढ़िए कि इंटरव्यू में क्या पूछा जा सकता है एंड स्टार्ट फॉर्मिंग लिटिल बिट ओपिनियंस अबाउट थिंग्स एंड स्टार्ट रीडिंग न्यूज़ इन द वे दैट यू कैन एक्सप्लेन देम टू द इंटरव्यू बोर्ड। इस तरह से आप एक मेंटल फ्रेमवर्क में प्रिपेयर करने लगेंगे तो थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन ऑटोमेटिकली स्टार्ट होती जाएगी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू फिल डैफ। सो हाउ टू फिल डैफ में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज इट इज़ अ वेरी डैफ इज़ द सिलेबस फॉर योर इंटरव्यू। तो अगर डैफ में कुछ गड़बड़ हुई या डैफ में कुछ ज़्यादा लिखा है, जितना आप डैफ भरेंगे उतना आपका इंटरव्यू का सिलेबस बढ़ेगा।
तो डैफ भरने में दो बातों का बहुत ध्यान रखना है। पहली बात है ऑनेस्टी एंड जेन्युइनिटी। डोंट ट्राई टू बोस्ट, ये मत करिए कि आपका वो सीवी नहीं है डैफ, इट इज़ नॉट समथिंग दैट विल मेक एन इम्प्रेशन, ये बात याद रखिए। आपको उसको ऐसे नहीं भरना है कि आपने दुनिया के सारे अचीवमेंट्स आप ही के पास हैं और जो आपने नहीं भी किया है वो भी आप लिख रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको चेस खेलना नहीं आता है, आपने एक बार 8th क्लास में चेस खेल लिया था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने डैफ में मेंशन करेंगे कि आई एम अ चेस प्लेयर, क्योंकि वो आपसे चेस के बारे में ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे जिसका आंसर बहुत ही प्रोफेशनल चेस प्लेयर को ही आता होगा। तो आप ध्यान रखिए कि आप जो भी लिख रहे हैं वो आप ऑनेस्टी के साथ, जेन्युइनिटी के साथ लिख रहे हैं। और जो दूसरी बात ये है वो ये है कि बहुत स्पेसिफ़िकली भरना है डैफ को। स्पेसिफ़िकली से मेरा मतलब है कि अगर आपने लिखा है रीडिंग नॉवेल्स, तो आप रीडिंग नॉवेल्स ना लिख के आप लिखिए रीडिंग फिक्शन नॉवेल्स या रीडिंग नॉन फिक्शन नॉवेल्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक मेरे दोस्त थे तो उनकी हॉबी थी हाइकिंग, बट हाइकिंग को उन्होंने लिखा था हाइकिंग इन द सहयाद्रीज। तो बहुत ही स्पेसिफिक कि कहीं वो हिमालय के बारे में ना पूछे, उन्होंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया कि वेस्टर्न घाट्स में ही हाइकिंग की है। सो दिस इज़ जस्ट एन एग्जांपल, बट ट्राई टू बी स्पेसिफिक विद रिस्पेक्ट टू योर डैफ। डोंट ट्राई टू बी बोस्टफुल एंड डोंट गो ओवरबोर्ड विद डैफ। आप दो से तीन हॉबी लिखें उतना बहुत है, उतना काफ़ी है। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट यू नीड टू हैव 5-6 हॉबीज़। इट इज़ ओके इवन इफ़ यू हैव जस्ट वन हॉबी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान के बहुत सारे हॉबीज़ हों, बट हाँ, डेफिनेटली एक भी हॉबी ना लिखना ठीक नहीं रहेगा। आप सोचिए क्या आपकी हॉबी हो सकती है, क्या आप उस पर जवाब दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन माई केस आई हैव रिटन दी हॉबी एज राइटिंग पोइट्री एंड रीडिंग नॉवेल्स। दिस इज़ वॉट आई कैन रिमेंबर, आई रिटन वन मोर। सो राइटिंग पोइट्री और रीडिंग नॉवेल्स ऐसी चीज़ थी जो मुझे जेन्युइनली पसंद थी। हाउएवर, मुझे लगता है मुझे और स्पेसिफिक होना चाहिए था उनके बारे में, जैसे किस टाइप की पोइट्री, किस टाइप के नॉवेल्स। तो आप थोड़ा सोचिए और उसको आराम से सोच समझ के भरिए डैफ को। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हाउ मेनी डेज डू यू गेट टू फिल द डैफ एंड व्हेन डू यू फिल द डैफ। तो डैफ चूँकि डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म है, वो जस्ट आफ्टर योर मेन्स रिजल्ट, आई थिंक उसके अगले एक दो दिन में आ जाता है। And you get very little time to fill the DAF, which means that you get, I think, 4 or 5 days only. So you have to be mentally prepared to fill the DAF. And एक बार आप detailed application form भर दें तो फिर आपका जो interview preparation है वो एक दिशा भी ले लेगा, और starting से end तक आपको अपनी detailed application form को prepare करना है। Now coming on to how to prepare your detailed application form. So detailed application form DAF के first word से लेके last word तक prepare होगा। So the first word is your name, which means that you have to know the meaning of your name, कि आप कहाँ से आए हैं, your address, your pin code. Questions have been asked on the pin code, like what does it mean. उसके बाद आपके educational qualifications आएंगे, आपके parents के profession आएंगे, आपकी hobbies आएंगी, आपके achievements आएंगे and everything, even for your service preference, आपके पास answers होने चाहिए that why you've kept IPS below or why you've kept IFS below. So you need to be prepared with these things. आप एक एक दिन एक एक टॉपिक उठाइए एंड उसको प्रिपेयर करने लगें। Now coming on to what to prepare apart from DAF. So apart from DAF, in my case, I used to give half a day to detailed application form and half a day to current affairs. For current affairs, आपको उसको general studies से relate करके पढ़ना होगा। आप एक एक टॉपिक उठाइए current affairs का, जो भी अभी बहुत ही इशू चल रहा है वो आप पढ़िए, बट उसके एक स्टेप आगे जाके पढ़िए। फॉर एग्ज़ाम्पल, रशिया, यूक्रेन, यू शुड नो अबाउट दीज थिंग्स। एंड साथ में आप उसको जीएस से रिलेट करके पढ़िए। जीएस में बहुत बेसिक क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। आपको एक बार अपने मेंस के नोट्स थोड़े से ब्रश अप कर लीजिए, लाइक ऐसा ना हो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा एंड यू कैन नॉट रिकॉल। इफ़ दे आस्क यू अबाउट इमरजेंसी प्रोविजंस और इफ़ दे आस्क यू अबाउट प्रेसिडेंट, तो पॉलिटी जैसी चीज़ें हल्का सा ब्रश अप कर लेना चाहिए। नाउ देयर इज डैफ, देयर इज करेंट अफेयर्स एंड जीएस, एंड देन देयर इज ऑप्शनल। ऑप्शनल को प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज देयर विल ऑलवेज बी वन मेम्बर हु कैन आस्क यू अबाउट योर ऑप्शनल। इन माई बोर्ड, इन माई इंटरव्यू, एक बोर्ड मेंबर ने सिर्फ और सिर्फ ऑप्शनल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे थे। सो फॉर योर ऑप्शनल, आई थिंक कंटेम्प्रेरी एंड इंडिया बेस्ड थिंग्स आर थिंग्स दैट आपको आना चाहिए। बहुत ज़्यादा टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑप्शनल के आना ज़रूरी नहीं है,
बट एक पोर्शन सारे ऑप्शन में होता है अबाउट इंडियन थिंकर्स एंड इंडिया बेस्ड. आई थिंक पेपर टू जनरली होता है करंट अफेयर्स बेस्ड. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप थोड़ा रिसर्च करिए, थोड़ा गूगल करिए अबाउट व्हाट आर द कंटेम्प्रेरी पीपल वर्किंग इन योर ऑप्शनल. फॉर एग्जांपल मेरा ऑप्शनल था एंथ्रोपोलॉजी, तो उसमें कंटेम्प्रेरी एंथ्रोपोलॉजिस्ट कौन कौन है, आज के ज़माने में कौन एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जो इंडिया से काम कर रहे हैं और कहाँ काम कर रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज दैट व्हाट वर द क्वेश्चंस आस्क्ड इन माय इंटरव्यू एंड व्हाट वर द हाई पॉइंट्स एंड द लो पॉइंट्स इन माय इंटरव्यू. तो क्वेश्चंस की बात करें तो देर आर 5 मेंबर्स इन ईच इंटरव्यू बोर्ड एंड हर कोई थोड़े थोड़े सवाल पूछते हैं. 4-5 क्वेश्चंस हर कोई पूछेंगे और आपको वो आंसर देना होगा. मेरे इंटरव्यू बोर्ड में आई थिंक हर चीज़ से क्वेश्चन पूछे गए थे. देर वॉज नो टॉपिक दैट वॉज लेफ्ट अनटच्ड. मैंने बहुत ज़्यादा प्रिपेयर किया था आर्मी के बारे में क्योंकि मेरे फादर आर्मी से हैं, और मेडिसिन के बारे में क्योंकि मेरा बैकग्राउंड मेडिसिन से है, एंड ऑल्सो अबाउट कोविड बिकॉज उस टाइम कोविड बहुत चल रहा था. पर है मतलब कोइंसिडेंटली कोविड से रिलेटेड मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया और ना ही वाई IFS पूछा गया, वाई द इंडियन फॉरेन सर्विस. सो दीज वेरी ऑब्वियस क्वेश्चंस वर स्पेयर्ड, बट काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे भी पूछे गए जो कि बहुत सोचने वाले थे. एंड ऑप्शनल से रिलेटेड जैसा कि मैंने कहा काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे जिसमें काफ़ी सोचना पड़ रहा था लैंग्वेज के बारे में, पॉलिटी के बारे में, लॉ के बारे में, एंथ्रोपोलॉजी में. तो दे कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग. करेंट अफेयर्स के बारे में भी पूछा गया, इनफैक्ट उसी दिन के न्यूज़पेपर के बारे में पूछा गया. सो आई रिकमेंड कि आप उस दिन का सुबह का न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ें. आप जब इंटरव्यू देने जाएंगे तो जो वेटिंग एरिया होता है इंटरव्यू के पहले, वहाँ पे सारे न्यूज़पेपर्स रखे होते हैं, अवेलेबल होते हैं, तो आप दो न्यूज़पेपर्स जाते ही उठा लें और उनको पढ़ने लग जाएं. टॉकिंग अबाउट द हाई पॉइंट एंड लो पॉइंट, सो आई'ड से हाई पॉइंट्स वर मैनी. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आस्क्ड टू मी वॉज दैट ओके अपाला, टेल मी योर स्ट्रगल स्टोरी, वॉट ब्रिंग्स यू हियर टू दिस चेयर वेयर यू आर सिटिंग राइट नाउ. और ये एक ऐसा क्वेश्चन था जो मैं सोच भी नहीं सकती थी मुझसे पूछेंगे. तो मैंने उनको तुरंत रिप्लाई किया कि सर आई डोंट थिंक कि स्ट्रगल स्टोरी से आप डिफाइन होते हैं. आई थिंक इट इज़ द लर्निंग्स दैट मैटर्स एंड द लेसन्स दैट मैटर, एंड मेरा स्ट्रगल मुझे नहीं यहाँ लाया है, मेरे लेसन्स मुझे यहाँ लाए हैं. तो आई थिंक दैट सेट अ गुड पेस टू माई इंटरव्यू क्योंकि फिर सर स्टार्टेड स्माइलिंग एंड दैट गेव मी ऑल्सो कॉन्फिडेंस. तो एक तरह से एक अच्छे पेस पे चलने लगा फिर इंटरव्यू. अदर हाई पॉइंट्स आई से दैट सी हाई पॉइंट्स विल ओनली बी देयर इफ यू आर प्रिपेयर्ड फॉर दोज हाई पॉइंट्स. आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आएंगी इंटरव्यू में अपने आप को एक्सप्रेस करने की, बट आप अगर उनके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है तो यू माइट लूज देम. फॉर एग्जाम्पल आई वॉज आस्क्ड टू रिसाइट अ पोएम एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू, एंड राइटिंग पोइट्री वॉज माई हॉबी. सो आई वॉज प्रिपेयर्ड विथ एटलीस्ट 3-4 पोएम्स अगर उन्होंने पूछ लिया रिसाइट करने को. एंड आई वॉज ऑल्सो प्रिपेयर्ड विथ टॉपिक्स. फॉर एग्जाम्पल आई वॉज प्रिपेयर्ड विथ 1 पोइट्री ऑन कोविड, 1 पोइट्री ऑन आर्मी, 1 पोइट्री ऑन एनी थिंग, जो भी रिसेंट के टॉपिक्स हैं कि अगर उन्होंने पूछ लिया कि डॉक्टर्स पर पोइट्री सुनाओ यू आर कमिंग फ्रॉम अ मेडिकल बैकग्राउंड, या कोविड पर पोइट्री सुनाओ. So I should be prepared with it. I should not fumble and say, sir, I cannot remember right now. Because that is something, वो एक opportunity है और वो आप seize कर सकते हैं. So I think reciting a poetry was a high point. And also one more high point was जब मुझसे मेरे साड़ी के बारे में question पूछा कि आपकी जो साड़ी है उसके border पर कौन सा design बना है. And it was not just this, it went on to ask, it was Worli painting. So sir went on to ask that where is the Worli tribe found, where is it located, which mountain range. So it is in Maharashtra in the Sahyadris. So I was already prepared with it because my mother had told me everything about the sari that I was wearing, and I would recommend that you should know everything about what you are wearing at least and where you come from. Wo test kar rahe hain ki aap kitne aware hain, aap kitne curious hain. एंड अगर आप कहेंगे कि आपको नहीं पता है आपने जो पहना है तो इट विल नॉट लुक गुड. सो इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ यू बीइंग अवेयर एंड प्रोएक्टिव इन व्हाट यू आर प्रिपेयरिंग. तो आपको हर चीज़ प्रिपेयर्ड होनी चाहिए. नाउ कमिंग ऑन टू द लो पॉइंट ऑफ इंटरव्यू,
आई थिंक इंटरव्यू एक ऐसा ड्यूरेशन है, माई इंटरव्यू वेंट ऑन फॉर अराउंड 40 मिनट्स एंड यू नो इट कैनॉट बी ओनली अ हाई इन द इंटायर 40 मिनट्स, इट विल बी अप डाउन अप डाउन. सो देर वॉज वन मोमेंट वेन वन ऑफ द मेम्बर आस्क्ड मी अ क्वेश्चन ऑन द रीसेंट, वेरी रीसेंट करेंट अफेयर्स, उसी दिन के सुबह के न्यूज़पेपर का करेंट अफेयर्स. सो वाइल आई हैड रेड दैट न्यूज़, ऐसा होता है कि आप सुबह सुबह इतने परेशान होते हैं, नर्वस होते हैं कि वो न्यूज़ भी आप उतने अच्छे से अब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाते हैं और ओपिनियंस नहीं फॉर्म कर पाते हैं जिस तरह से पुराने न्यूज़ के बारे में किए होते हैं. सो आई विल नॉट रिवील द क्वेश्चन हियर बिकॉज इट वॉज अ लिटिल कॉन्ट्रोवर्शियल, बट आई डिसअग्रीड टू वॉट मैम हैड सेड. एंड द मोमेंट आई डिसअग्रीड टू हर, द इंटायर एटमोसफियर इन द इंटरव्यू रूम बिकेम अ लिटिल टेंस्ड एंड ma'am started cross questioning me and I still disagreed. I said no ma'am, but I feel that this is the reason, this is not the reason what you are saying. And I think 4-5 rounds of questions were, and it was only when the chairman said okay now it's done that those question answer firing stopped. But that was a moment jiske bare mein main wapas aake bhi soch rahi thi ki ye bolna chahiye tha nahi bolna chahiye tha. But I feel that if you have opinions, इट इज़ नॉट बैड टू एक्सप्रेस दैम. आपके अगर ओपिनियंस हैं, आप अगर डिसएग्री करते हो, तो एक वो प्लेस ऑफ कन्विक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग से आना चाहिए. यू शुड नॉट डिसएग्री एज कंप्लेनिंग और क्रिबिंग. इट शुड बी योर जेन्युइन ओपिनियन जो आप एक्सप्लेन कर सके, जिसके लिए आप खड़े हो सके. और आपको इतना फ्रेजाइल भी नहीं होना है कि अगर सर ने बोल दिया कि तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो, तो आप तुरंत अपना ओपिनियन चेंज कर लें कि नहीं ठीक बात है. डेफिनेटली यू शुड नॉट बी वेरी स्टबर्न. आपके ये शब्द ऐसे होने चाहिए कि हाँ जो आप बोल रहे हैं वो भी उस बारे में आई थिंक अबाउट इट, मैं विचार करूँगी उस बारे में, बट अभी तक मेरे अंडरस्टैंडिंग में मुझे ये लगता आ रहा है. तो इससे आप रिस्पेक्टफुल भी लगेंगे और इससे आप अपने ओपिनियंस बोल भी पाएंगे. तो अगर आपको लगता है कि अपने डिसएग्रीड ओपिनियंस नहीं बोल सकते, तो ऐसा भी नहीं है, आप डेफिनेटली बोल सकते हैं. बस आपको एक कन्विक्शन होना चाहिए और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इशू की. Coming on to the next question is that does language matter, Hindi or English, and can you speak in Hindi if you've chosen English as your language? So I'd say language does not really matter. You have an option in your forms to give the interview either in English or in Hindi. And agar aapko koi bhi doubts hai apne man mein ki aap Hindi mein de rahe hain to maybe aap acche marks na paayein, agar aap English mein de rahe ho aapki English fluent nahi hai to maybe aap acche marks nahi paayein, aisa bilkul bhi nahi hai. People who have given interview in Hindi medium have actually scored the highest marks in the past I think 1-2 years. तो आप ये सब अपने जो biases हैं वो अपने दिमाग से हटा दें. Definitely अगर आपको, आप English में interview दे रहे हैं but अगर आपको Hindi में answer देना है, तो आप board का permission लीजिए बोलने के पहले. Don't start saying अपने आप से ही. अगर कोई भी चीज़ आपको ऐसी करनी है जो कि आपको लगता है थोड़ी ऑफ द वे है, तो आप बोर्ड का परमिशन ज़रूर लीजिए. इवन अगर आपको गेस करना है कुछ, तो आप बोर्ड का परमिशन लीजिए कि सर इफ़ यू मे परमिट आई मेक अ वाइल्ड गेस. तो इससे क्या है, आपकी रिस्पेक्टफुलनेस नहीं होती है एंड बोर्ड इज़ इन कॉन्सोनेंस विथ वॉट एवर विच एवर वे यू आर गोइंग. तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अबाउट सॉफ्ट स्किल्स एंड पर्सनैलिटी ट्रेट्स, डू दे मैटर. सो अगर मैं कहूँ द वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट द पर्सनैलिटी टेस्ट स्टेज, दैट इज़ दी सॉफ्ट स्किल्स एंड योर पर्सनैलिटी ट्रेट्स. नाउ व्हेन आई से अबाउट सॉफ्ट स्किल्स, आई डू नॉट मीन दैट यू शुड बी अ वेरी सोफिस्टिकेटेड पॉलिश्ड पर्सन. व्हाट आई मीन इज़ दैट आप एक रिस्पेक्टफुलनेस अपने अंदर इनकलकेट कीजिए. फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप इंटर करते हैं, देन डोंट फॉरगेट टू विश द बोर्ड. आप एक काम पर्सनैलिटी लगने चाहिए, आप एक अप्रोचेबल पर्सन लगने चाहिए. सी आप आगे जाके पब्लिक सर्विस में जा रहे हैं एंड पब्लिक सर्विस में आई थिंक द बिगेस्ट पर्सनैलिटी ट्रेट इज़ योर अप्रोचेबिलिटी, कि लोग आपको अप्रोच कर पाएंगे या नहीं. क्या आप एक बहुत एरोगेंट ऑफिसर बनेंगे जो कि किसी की नहीं सुनेगा, या आप एक काम अप्रोचेबल पोलाइट ऑफिसर बनेंगे. तो आई थिंक ये पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं जो आपको अपने अंदर लाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए. कोई भी डेवलप नहीं होता है सुपर टैलेंटेड, हर चीज़ आप इनकलकेट कर सकते हैं. 2 months इज़ मोर देन इनफ फॉर यू टू प्रैक्टिस ऑल दिस. आप अपने घर पे प्रैक्टिस करिए कि जब आप इंटर करते हैं रूम,
तो आप गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून बोलना ना भूलें। आप जब कोई भी ओपिनियन दे रहे हैं तो आप एक हम्बली दीजिए उस ओपिनियन को, डोंट बी टू एरोगेंट। नाउ वन थिंग आई वुड से इज़ दैट डोंट बी वेरी एंशियस। आप इतने एंशियस ना होइए कि आप अपने हाथ पूरे टाइम ऐसे करते रहिए या पैर हिलाते रहिए। द ओनली रीज़न इज़ दैट वो एक डिस्ट्रैक्टिंग एस्पेक्ट बन जाता है एंड द बोर्ड इज़ नॉट एबल टू फोकस ऑन योर आंसर्स। अभी मैं हाथ बहुत ज़्यादा हिलाऊँगी तो आप सिर्फ मेरे हाथ देखेंगे, जो मैं बोल रही हूँ शायद वो मिस हो जाए। सो इट्स ओके अगर आप ज़्यादा हैंड मूवमेंट्स करते हैं, तब भी इट्स ओके। बहुत बार मॉक इंटरव्यूज़ वाले कहते हैं कि आपका हाथ एकदम ही यहाँ पे होना चाहिए, बिल्कुल ही नहीं हिलना चाहिए। यू डोंट हैव टू बी वेरी मैकेनिकल, यू जस्ट हैव टू बी प्रैक्टिकल एंड इंटेलिजेंट। तो इसके साथ मैं ये कहूँगी कि नॉट बी टू एंशियस के साथ एक कैवियट में ये जोड़ना चाहती हूँ कि इट इज़ बेटर टू बी एंशियस दैन बींग कैजुअल। बहुत बार बहुत लोग ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं एंड उनका अप्रोच बहुत कैजुअल हो जाता है। दे गो इन फ्रंट ऑफ द बोर्ड, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट बट ऑल्सो वेरी कैजुअल। नाउ कैजुअल होना कैन एक्चुअली मेक यू लूज मार्क्स बिकॉज दैट इज़ समथिंग दैट द बोर्ड विल नॉट लाइक। इट इज़ अ फॉर्मल इंटरव्यू सेटिंग एंड यू हैव टू बी फॉर्मल। आप वहाँ जाके यू कैनॉट सिट लाइक अ किंग, you are a candidate and you have to be sitting like a candidate who has an interview test and he has to answer the questions. So just be calm, be composed. Aap try kare jitna politely bol sake utna politely bolne ki, even if you know the answer, sometimes hame wo answer ekdam acche se pata hota hai, so we forget all the politeness and everything and we just start blabbering the answer. Aisa bhi nahi karna hai, जस्ट टेक योर टाइम, एक दो सेकेंड्स का पॉज लीजिए। द इंटायर थिंग दैट आई वॉन्ट टू कन्वे हियर इज़ दैट ऐसा लगना चाहिए कि आप सोच समझ के आंसर दे रहे हैं एंड आप एक थिंकिंग पर्सनैलिटी है। आप ऐसे नहीं है कि कुछ भी बोल रहे हैं, आप एक समझदार इंसान हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कल को प्रेस ब्रीफिंग में आपसे आपके सामने माइक रखे और आप कुछ भी बोल दें। यू नो दे शुड हैव दैट ट्रस्ट इन यू कि ये इंसान सोच समझ कर ही बात करेगा, जो भी बात करेगा। दैट शुड बी द मेन एम ऑफ योर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इन द इंटरव्यू स्टेज। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट मॉक इंटरव्यूज़। हाउ मेनी मॉक इंटरव्यूज शुड वन गिव, सो एंड हाउ एंड डू यू टेक फीडबैक सीरियसली और नॉट। सो दिस इज समथिंग दैट आई वुड डेफिनेटली लाइक टू टॉक अबाउट। मॉक इंटरव्यूज आर गुड ओनली अप टू अ सर्टेन लेवल। सी इन माई केस आई विल टेल यू अ स्टोरी दैट आई गेव माई फर्स्ट मॉक इंटरव्यू जस्ट वन मंथ बिफोर द पर्सनैलिटी टेस्ट। माई इंटरव्यू वॉज इन 9th September एंड आई गेव माई फर्स्ट मॉक इंटरव्यू ऑन 9th August एंड आई थिंक दैट वॉज द वर्स्ट डे ऑफ माई लाइफ बिकॉज आई वॉज वेरी वेल प्रिपेयर्ड विद द इंटरव्यू। बट sometimes what happens that the board asks you questions which are highly irrelevant, which are only for grilling and which will only pull your confidence down. Now iske piche ka psychology I agree that sometimes aapko zameen pe lane ki zarurat hoti hai, but not for everyone. You know, grilling does not work for everyone. In my case, I don't think I am a person जिसको अगर grill करेंगे तो I will get motivated to study more. I mean, grilling works opposite for me. I'll just not study for the next 2 days if I am grilled so badly. So it does not work for everyone. And sometimes the feedbacks in mock is a little critical. Now, when I say a little critical, I mean that, yeah, sometimes it does get critical. आपको काफ़ी अपने identity पे questions होने लग जाते हैं। तो mocks को आप as a practice लीजिए। Mocks will be beneficial only if you take it as a practice. Don't take it as a real interview. आप उसमें जाइए और आप उसमें देखिए कि आपने जो practice किया है वो कितना काम आ रहा है। जो आपका prepared question है, for example, अगर आपने प्रिपेयर किया है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ और आपसे फर्स्ट क्वेश्चन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ पूछ रहे हैं, तो आप वो उससे कितना बेहतर तरीके से बोल पाते हैं, आप सेल्फ असेस कीजिए। आपको वो वीडियोस मिलेंगे, आप उन वीडियोस को देख के असेस कीजिए। तो टेक इट ओनली एज अ मोड ऑफ प्रैक्टिस। नाउ बहुत बार ऐसा होता है कि मॉक इंटरव्यूज़ में अगर आप बहुत ज़्यादा फीडबैक को दिल से लेंगे तो यू बिकम वेरी मैकेनिकल। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने हैंड मूवमेंट्स एकदम बंद कर देंगे,
आप एकदम क्रिस्प सेंटेंसेस बोलेंगे, 30 सेकेंड्स के टाइम में आप एंड करना चाहेंगे अपने आंसर्स. बट वॉट हैपेंड इन माई इंटरव्यू वॉज दैट अ लॉट ऑफ प्लेसेस में ऐसा हुआ कि दे वॉन्टेड टू हैव अ हेल्दी कॉन्वर्सेशन, बट माई माइंड वॉज ओनली फोकस्ड ऑन एंडिंग माई आंसर्स इन अ वेरी क्रिस्प 30 सेकेंड्स मैनर. तो बहुत बार एक हेल्दी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट नहीं हो पाता है अगर आप बहुत मैकेनिकल हो जाएं. समटाइम्स दे एक्सपेक्ट यू टू टॉक मोर. तो आप अपने हिसाब से देखिए कि वहाँ इंटरव्यू बोर्ड में आपको कितना रिक्वायर्ड है आंसर देने का. इंटेलिजेंटली उसके हिसाब से आंसर करें. डोंट बी टू मैकेनिकल एंड डोंट बिकम अ बॉक्स ऑफ इंफॉर्मेशन. अगर आपकी मंजिल भी सिविल सर्विसेज है तो टेस्ट सीरीज लगाना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा. इसीलिए टेस्ट बुक लेके आया है टेस्ट बुक पास. तो फिर आप किसी भी सिविल सर्विस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, चाहे वो यूपीएससी हो या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम लाइक बीपीएससी, एमपीपीएससी, एमपीएससी या आरपीएससी. टेस्ट बुक पास के अंदर आपको सारी सिविल सर्विस एग्जाम्स की मॉक टेस्ट अवेलेबल हो जाएगी. तो अब देर किस बात की, अभी डाउनलोड कर लीजिए टेस्ट बुक ऐप और लगाइए कूपन कोड 7 डे गिफ्ट और 7 दिन के लिए पाइए मुफ्त में टेस्ट बुक पास और दीजिए अपने सपनों को नई उड़ान. Now the next question is how many months to give for interview preparation. So in my case I gave around 3 months because our interviews got delayed because of COVID. But I think 2 months is also sufficient. But आपको time देना पड़ेगा interview preparation के लिए. It is something जो आप prepare करना start करेंगे तो आपको realize होगा that there are a lot of things to prepare. For example if I come from Delhi then आपको Delhi के बारे में पूरा prepare करना पड़ेगा. तो ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ टाइम देना ज़रूरी है. नाउ द लास्ट थिंग इज दैट इफ देर इज एनी अदर पॉइंट सो एट द एंड आई जस्ट से दैट डोंट बिलीव इन द मिथ्स अबाउट इंटरव्यू. बी काम, बी कंफर्टेबल, बी कॉन्फिडेंट एंड डोंट लुक लाइक अ बॉक्स ऑफ इंफॉर्मेशन. बहुत बार ऐसा होता है कि लोग कहते हैं आई न्यू ऑल द आंसर्स इन माई इंटरव्यू एंड माई कंटेंट वॉज 100% बट स्टिल आई डिड नॉट गेट मार्क्स. तो ये सोचने वाली बात है कि आपको मार्क्स सिर्फ और सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन कलेक्शन पे नहीं मिल रहे हैं, आपको मार्क्स प्रेजेंटेशन के मिल रहे हैं, पोलाइटनेस के मिल रहे हैं, रिस्पेक्टफुलनेस के मिल रहे हैं, द वे यू कैरी योर सेल्फ के मिल रहे हैं एंड आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटीज़ पे मिल रहे हैं. जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि आप कितने समझदारी से आंसर्स देते हैं वो देखा जा रहा है. तो जस्ट बिकॉज यू नो ऑल द आंसर्स इट इज़ नॉट अ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन कि आपने सारे टिक मार दिए तो आपको उतने मार्क्स मिलेंगे. इट इज़ अ लॉट मोर देन दैट. इट इज़ 1 step अहेड ऑफ प्रीलिम्स एंड 2 steps अहेड ऑफ मेंस. तो आप इस बात को ध्यान रखें दैट यू इंटर लाइक एन ऑफिसर, आंसर लाइक एन ऑफिसर एंड लीव लाइक एन ऑफिसर. आपका पूरा इंटरव्यू बहुत ही अच्छा, एक अच्छी पर्सनैलिटी, एक अच्छी प्रिपेयर्ड, एक अच्छा स्टूडियस पर्सन रिफ्लेक्ट करना चाहिए एंड आई एम श्योर यू विल गेट गुड मार्क्स. जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ एंड बी कॉन्फिडेंट इन वॉट एवर यू आर सेइंग. थैंक यू.